होल खोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805-266-080। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोर्ट पोस्ट। मुंबई के एक बिल्डर के साथ बांद्रा इलाके में बंगले की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार को रविवार को बड़ा सहारा मिला। संपत्ति के असली मालिकों सेठ मूलराज हटाऊ ट्रस्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभिनेता संपत्ति के स्थायी पट्टेदार है, ना कि किराएदार, जैसा कि कहने की कोशिश की जा रही है। ट्रस्टी ने कहा है कि दिलीप कुमार के पास इस संपत्ति का 999 सालों तक के लिए पट्टा है। एसएमकेटी द्वारा अपने वकील अल्तमश शेख के हवाले से शनिवार रविवार को मीडिया में जारी एक प्रमुख सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि संपत्ति के किराए का रूप पहले ही बदल चुका है और लीज अभी भी वैध है। इस सार्वजनिक नोटिस दिवंगत सुनीत सी खटाऊ के कानूनी उत्तराधिकारियों एसएमकेटी सेटलमेंट के लाभार्थियों और दिवंगत चंद्रकांत एस खटाऊ के ट्रस्टी में से एक ओर से जारी की गई है। हाई प्रोफाइल विवाद में यह बात नई बात तब सामने आई है जब दिलीप कुमार और सायरा बानो ने बिल्डर समीर एन भोजवानी को 250 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा, जिसे सबसे पहले 4 जनवरी 2019 को INNS द्वारा प्रकाश में लाया गया था। इससे पहले सेलिब्रिटी दंपत्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर जवाबी पलटवार करते हुए भोजवानी को मानहानि का नोटिस भेज दिया गया। यह विवाद दिलीप कुमार के पाली हिल बंगला नंबर 16 को लेकर के जो 1600 वर्ग मीटर के भूखंड पर है, कहा जाता है कि इसकी कीमत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। अभिनेता 2003 में पत्नी के साथ बांद्रा पश्चिम के उसी इलाके में बंगला नंबर 34 में रह रहे हैं। सायरा बानो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वह नंबर 16 वाली जगह पर दिलीप कुमार की याद में एक संग्रहालय का निर्माण बनाएंगी। तब तक के लिए हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार।